हेलो स्टूडेंट, आई एम बसंत कुमार साहू फ्रॉम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर गुरु। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलएसडी। ठीक है, एलएसडी मीन्स क्या होता है? लैटिन स्क्वायर डिजाइन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? सीआरडी पढ़े हैं, यानी कि कम्प्लीटली रैंडमाइज डिजाइन। उसके बाद क्या पढ़े हैं? आरडी पढ़े हैं। ठीक है, यानी कि रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। ओके, तो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में क्या करते हैं हम लोग कि जिस एरिया का हमको टेस्ट करना होता है, यदि उस एरिया में कुछ क्या होता है, इक्वालिटी रहता है और कुछ क्या डिफरेंट भी रहता है, मतलब जो एक ही एरिया तो एक रहेगा उसमें। ठीक है, एरिया एक ही रहता है। ठीक है, सपोज हमको इस एरिया का टेस्ट करना है। ठीक है, और इस एरिया के अंतर्गत जितने भी एरिया, जितने भी आपका भाग है ना, उसका हमको टेस्ट करना है। और टेस्ट करने के बाद हमको ये पता चलता है कि उसके जो सिम्टम्स है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कुछ ज्यादा है, इस प्रकार से उसको जो सिम्टम्स होते हैं एरिया में, ठीक है, उसके ग्रेडियंट का वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहता है। ठीक है, तो उस टाइप के डिफरेंटली के लिए हम क्या करते हैं? आरएमडी का यूज करते हैं। ठीक है, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन का उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं एलएसडी, एलएसडी क्या होता है कि जिस प्रकार से एक ही एरिया के अंतर्गत दो प्रकार के सेट समानता होती है और एक विषमता होती है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो समानता है वो एक प्रकार का रहता है और जो विषमता है वो दूसरे प्रकार एक ही प्रकार का रहता है। ठीक है, यानी कि जो सिम्टम्स है, दो ग्रुप होता है, एक सिमिलैरिटी का होता है, एक डिफरेंटी का होता है। ठीक है, तो इसका इसमें जितना भी आपका रैंडमाइज रैंडम नंबर रहता है उसका सिम्टम्स सेम रहता है। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स है वो भी सेम रहता है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक, तो ये क्या है आपका? सिमिलर में जितना भी इसका आपका रैंडम नंबर रहता है उसका सिम्टम सेम रहता है, डिफरेंट में जो सिम्टम वो सेम रहता है। लेकिन एलएसडी का हम प्रयोग कब करेंगे? जब डिफरेंटली जो ग्रुप बनाए हैं, डिफरेंटली ग्रुप बनाए हैं उसके अंतर्गत आने वाला जितने भी आपका रैंडम नंबर है या ट्रीटमेंट है वो भी क्या है, उसका जो डायरेक्शन है वो दो प्रकार से है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होता है, तो उसका डिफरेंट तो रहेगा। ठीक, जो विषमता रहता है, जो विषमता वाला जो ग्रुप रहता है, डिफरेंटली जो ग्रुप रहता है उसके अंतर्गत और जो ट्रीटमेंट होते हैं उनके भी जो सिम्टम्स है वो दो डायरेक्शन में होते हैं, है ना। तो वहां पर हम एलएसडी का उपयोग करते हैं, एलएसडी का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन। अब यहाँ पर देखो, लैटिन स्क्वायर डिजाइन स्क्वायर है, स्क्वायर इसका मतलब क्या है? इसका जो डिजाइन बनता है वो कैसे बनेगा? स्क्वायर में बनता है। ओके, यानी कि एक ये डायरेक्शन हो गया और दूसरा ये डायरेक्शन हो गया आपका ए बी सी डी। ठीक है, तो किसी भी ट्रीटमेंट का अगर डायरेक्शन दो प्रकार का है, फर्स्ट डायरेक्शन होगा ए बी और सेकंड डायरेक्शन है आपका ए डी। ठीक है, तो उसका जो डिजाइन है वो इस प्रकार से बनेगा स्क्वेयर में, इसलिए हम इसको कहते हैं लैटिन स्क्वेयर डिजाइन। ठीक है, इसी प्रकार से यदि किसी खेत का हम देखेंगे, किसी खेत में ये एक खेत हो गया सपोज, ठीक है, उस खेत में प्रत्येक स्थान पर उर्वरक जो ढाल है, ठीक है, उसका जो ग्रेडियंट है उसको अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ढाल अलग है, कहीं ना ढाल कम है। ठीक है, यानी तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, उसका हम दो डायरेक्शन में जो उसका ग्रेडियंट होता है वो दो डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन क्या होगा ए बी और दूसरा डायरेक्शन क्या होगा ए डी। ठीक, दोनों डायरेक्शन में होता हूँ
डिवाइड कर देते हैं ओके। और उसके अंतर्गत जिसमें कि आपका ट्रीटमेंट होते हैं उसको हम स्क्वेयर के फॉर्म में क्या करते हैं शो कर देते हैं ठीक है। तो इस प्रकार के स्क्वेयर में हमको क्या मिलता है एक डायरेक्शन के जितने भी आपके ब्लॉक्स होते हैं जितने भी आपके प्लॉट होते हैं उसको हम रो कहेंगे ठीक। ये होगा इसका रो ठीक, ये होगा इसका कॉलम ठीक। एक रो हो गया एक कॉलम हो गया। इस प्रकार से हम जितने भी ट्रीटमेंट है जितने भी ब्लॉक्स है उसको इन प्लॉटों में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं लगा देते हैं ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे रेंडमाइजेशन करते हैं यानी कि इसकी यादृच्छिकरण करते हैं। अब यादृच्छिकरण करते समय आपको ये देखना है ये हमको ध्यान रखना है कि एक ट्रीटमेंट ठीक है वन ट्रीटमेंट केवल एक ही बार यहाँ पर आना चाहिए मतलब कोई भी ट्रीटमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए ठीक। जो उपचारों की जो संख्या है वो रिपीट नहीं होना चाहिए ठीक। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं एक उपचार लेता हूँ यहाँ पर सपोज वन है तो यहाँ वन नहीं होना चाहिए यहाँ टू हो सकता है थ्री हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन वो उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ठीक। तो इस प्रकार के जो डिजाइन है उसको हम कहते हैं लैटिन स्क्वायर डिजाइन ठीक है। यहाँ पर मेन यही है कि जो ट्रीटमेंट है वो केवल और केवल एक बार ही आए ठीक। ये इसमें मुख्य बात होती है इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है ओके। उसके बाद हम देखते हैं हाँ एक चीज और इसमें कि ये जो एलर्जी बनता है जो डिजाइन होता है उस प्रकार के डिजाइन में नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है जो ट्रीटमेंट है और आपका रेप्लिकेशन होते हैं और क्या है यहां पर देखो नया चीज आपको क्या है रो है और कॉलम है ठीक है रो है और क्या है कॉलम है ठीक। तो ये जो चारों है चारों का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए ठीक। तो जितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं और उतने ही रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं ये चारों इक्वल होता है ठीक है। इसलिए हम इसको इसका जो क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सेम होते हैं यानी कि एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन ऐसे उसको हम डिनोट करते हैं ठीक है। एंड लास्ट में इसका आता है क्या आता है ए माइनस वन इंटू एन आर माइनस वन इस प्रकार से ओके। ये आर माइनस वन और एन माइनस वन क्या है वो किसके लिए है एरर के लिए ठीक है जो वेरियंस होते हैं उस एरर के लिए ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ठीक है। एन माइनस वन फर्स्ट वाले क्या है ये फर्स्ट वाले क्या आपका किसके लिए है ट्रीटमेंट लिए हो गया ठीक है। सेकंड वाले किस लिए हो गया आपका रिप्लिकेशन के लिए हो गया ठीक। थर्ड वाले किस लिए हो गया है आपका थर्ड वाले किस लिए है उसके रो उसके कॉलम के लिए ठीक है। एंड जो लास्ट वाला है एन माइनस वन एन माइनस आर ये किस लिए है एरर के लिए ये सब क्या है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ओके ठीक है समझ में आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे उपचारों का यादृच्छिकरण यानी कि रैंडमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है। तो वो कैसे होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसमें जो जो ट्रीटमेंट होते हैं और उसका हमको रेंडमाइजेशन करना रहता है ना
ट्रीटमेंट का जब हम रेंडमाइजेशन करते हैं तो उसमें मुख्य चीज क्या है कि एक ही जो ट्रीटमेंट है वो प्रत्येक ब्लॉक में केवल एक और एक बार ही आना चाहिए, ठीक है। ये इसमें मुख्य बात होता है कि इसमें रेंडमाइजेशन के लिए, ओके। इसी प्रकार से हमको इसमें ये देखना है कि जितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिप्लिकेशंस होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका हम रेंडमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं, ओके, समझ आया। तो देखो जैसे कि मैं फर्स्ट ब्लॉक यहां पर लेता हूं, क्योंकि इसमें दो प्रकार दो डायग्राम होते हैं, दो डायग्राम होते हैं, फर्स्ट डायग्राम इधर है और फर्स्ट सेकंड डायग्राम इधर है, इस प्रकार, ठीक। अब ये इसको मैं नंबर देता हूं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये नंबर दे दिया, ठीक है। अब ये क्या नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, इसी प्रकार का इसका क्या होगा, ए बी सी डी ई, इसी प्रकार से होगा ए बी सी डी ई, ओके। अब यहां पर बी सी डी ई ए, ओके, इधर डी ई ए बी, ठीक। मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि इसी भी जो ट्रीटमेंट है वो एक प्लॉट में या एक रो या एक कॉलम में दोबारा नहीं आना चाहिए, डबल नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहां पर ई ए बी सी, ठीक है, एंड लास्ट यहां पर क्या हो जाएगा आपका ए बी सी डी, ठीक। तो देखो प्रत्येक रो में देखेंगे और प्रत्येक कॉलम में देखते हैं, यहां पर हमको एक क्लियर दिखाई दे रहा है कोई भी ट्रीटमेंट एक ही रो में या एक ही कॉलम में रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। यही इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए रेंडमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हम रेंडमाइजेशन करते हैं, ओके। अब हम आगे देखेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर एलएसडी, ठीक है। एलएसडी के हम सांख्यिकी विश्लेषण देखते हैं। अब इसका हम विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे, हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे। देखो जैसे हम सीआरडी में और आरबीडी में कॉलम और रो बनाते हैं, यानी कि इनोवा टेबल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम एलएसडी के लिए क्या बनाएंगे, इनोवा टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले कॉलम क्या आता है, सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ क्या होगा, सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सूत्र यहां पर, क्योंकि हमें आपको क्या करना है डिवाइड कर लेना, दो भागों से हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद क्या होता है, डीएफ रहता है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। उसके बाद क्या होता है, एसएस होता है, एसएस में क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, एमएस, एमएस मींस उसका जो पर्सनल रहता है, जो वेरिएंस रहता है उसको लेंगे, ठीक है। एंड लास्ट क्या होता है, हम लोग एफ रहता है, एफ एफ इज क्या है, एफ टेस्ट, जो भी हम टेस्ट करते हैं उसको रिजल्ट उसी में आता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका इनोवा टेबल बन गया, ठीक। अब जैसे कि सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हमारे पास सोर्स है, क्या कौन कौन सा स्रोत है, उसको हम देखेंगे, ठीक। तो देखो फर्स्ट जो सोर्स क्या है, रो, फर्स्ट जो सोर्स क्या है, रो है। सेकेंड सोर्स क्या है आपका, कॉलम, कॉलम, ठीक है। थर्ड सोर्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट। एंड फोर्थ एरर, एरर, ठीक है।
मतलब देखो एलएलजी में हम स्टार्टिंग से चले इसमें सीआरडी में सीआरडी में सिर्फ दो ही सोर्स होता था, दो ही वेरिएंट्स होते थे। कौन कौन से? फर्स्ट क्या था आपका? ट्रीटमेंट। एंड सेकंड क्या था? एरर। ठीक है, इसी प्रकार से आरबीडी, आरबीडी कितने प्रकार के वेरिएंट्स होते थे? तीन प्रकार के वेरिएंट्स होते थे। कौन कौन से? फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड रिप्लिकेशन एंड थर्ड एरर्स। ठीक, इसी प्रकार से एलएलजी में फोर वेरिएंट्स होते हैं। कौन कौन से फोर वेरिएंट्स होंगे? रो, कॉलम, ट्रीटमेंट, एरर। ठीक, ये हो गया आपका क्या? सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके आगे क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे देखेंगे? जैसे कि आपको बताया गया है कि जितना नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, उतने ही नंबर ऑफ रो होंगे। ठीक है, तो इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? सेम रहेगा। सेम मींस कैसे होगा? एन माइनस वन होगा, इसका भी एन माइनस वन होगा, इसका भी एन माइनस वन होगा ट्रीटमेंट का। एंड एरर, एरर में उसको वो अलग हो जाता है, जो त्रुटि है वो अलग हो। कैसे होगा? एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन। ठीक, इस प्रकार से इसका हम एरर निकालते हैं। ओके, यहां पर एक चीज मैं यहां पर क्या होगा? एन माइनस टू होगा, यहां पर एन माइनस टू यानी जो एरर होता है ना वो एन माइनस वन होगा, एन माइनस टू होगा, एन माइनस थ्री, इस प्रकार से वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि एक रो और एक कॉलम रहेगा, मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन क्या है? दो दिशा में है। ठीक है, डायरेक्शन सिस्टम इसका दो दिशा में है, इसलिए आपको इसको एन माइनस वन होगा और एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब हम सम करेंगे तो सम करने के बाद क्या आएगा आपका? क्या आएगा? एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन। इसको हम जब सॉल्व करेंगे सभी को एन माइनस वन उसका सम आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जानती है कैसे फाइंड करते हैं? कैसे फाइंड करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है आपका? समेशन ऑफ एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स, यहाँ पर एक स्क्वायर हो जाएगा इधर, होल स्क्वायर हुआ एन। ठीक है, उसके बाद एम एस, एम एस कैसे फाइंड करेंगे? उसको वेरिएंस फाइंड करते हैं, वेरिएशंस, वेरिएशंस वी आर अपॉन वी सी। ठीक है, इन दोनों के बीच। उसके बाद इसी प्रकार से हम इन दोनों के बीच लेंगे v c upon v t and यहाँ पर v t upon v e। ठीक, इस प्रकार से इसको हम m s निकालते हैं। ठीक, and last क्या लिखेंगे? f, f कैसे निकालेंगे? v t upon v e, इस प्रकार से हम इसका f निकाल लेते हैं। ओके, अब इन सभी का एनालिसिस करने के बाद हमको ये देखना है कि जो रिजल्ट आया है वो सिग्निफिकेंस है या नहीं है। ठीक है, यानी कि वो सार्थकता है या नहीं है। सार्थकता नहीं है तो हमको और आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी और आगे हम एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सार्थकता आता है उस कंडीशन में हमको इसका क्या करना पड़ेगा? फिजिकल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि क्रांतिक अंतर हमको निकालना पड़ेगा। अब क्रांतिक अंतर हम कैसे निकालेंगे? हैं, क्रांतिक अंतर हम कैसे निकाल देंगे? क्रिटिकल डिफरेंस यानी कि cd इक्वल टू होता है अंडर रूट, क्या होगा अंडर रूट? 2 ve अपॉन n, 2 इनटू ve अपॉन n। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका क्रिटिकल डिफरेंस निकाल सकते हैं। कब निकालेंगे? जब सार्थकता निकल जाता है तब, जब वहां सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्रिटिकल डिफरेंस फाइंड करेंगे। ओके, समझ आया? तो इस प्रकार से एएसडी का रेंडमाइजेशन किया जाता है। ठीक है, और ये उसका इनोवा टेबल है। ठीक है, इनोवा टेबल है। ठीक है, समझ आया? अब
हम इसका गुण और इसके अगर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स में हम जाते हैं, इसका एनर्जी का अगर हम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स में जाएंगे, जिसके हम इसका मेरिट्स देखेंगे यानी इसका गुण क्या है, इसका सबसे बड़े गुण तो ये है कि जहां पर यदि विषमता दो पदार्थ है, ठीक है, यदि डिफेंट टू टाइप्स है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका डिजाइन बना सकते हैं, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, जब विषमता है, ठीक है, यानी कि जो डिफरेंटली है वो टू डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड इसका मेरिट्स क्या है कि यदि यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ रिप्लिकेशंस, चारों लोग क्या है वो सेम रहता है, जितना आपका उपचार आएगा उतना ही पुनः प्रयोग होगा और उतना ही उसका रो बनता है, उतना ही कॉलम बनता है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होती है चारों में। ओके, इसी प्रकार से यदि उपचारों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अधिक है तो भी हम इसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, इसका हम टेस्ट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक समूह के गायों को अगर हम देखेंगे तो यदि उस समूह में रहने वाले जो गाय है उसकी नस्ल अलग अलग है, ठीक है, और उसकी जो संख्या भी है, ठीक है, उसकी जो संख्या भी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में भी हम उसका टेस्ट निकाल सकते हैं, उसका हम सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी के जरिए, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, इसका जो एनालिसिस है, सांख्यिकी जो एनालिसिस है वो बहुत ही सरल होता है, बहुत हम उसको आसानी से इसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे इसका डीमेरिट्स देखेंगे, इसका दोष क्या है, तो इसका सबसे बड़ा दोष तो ये है कि एलएलडी में जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका जो टेस्ट है वो लंबा हो जाता है, ठीक है, इसका जो टेस्ट है, इसके परीक्षण है वो बहुत लंबा हो जाता है, जिसके कारण इसके जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो टेस्ट है वो बहुत महंगा होता है, ठीक है, ये जो टेस्ट है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। ओके, इसी प्रकार से यहां पर इस एलएचडी में जो परिणाम निकलता है उसमें त्रुटि होने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्यों, रो और कॉलम में हमको क्या करना होता है, क्योंकि एक ही ट्रीटमेंट को रो एंड कॉलम में सिर्फ एक बार ही शो करना है, ठीक है, तो उसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ये हो गया इसका डीमेरिट्स। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार से यदि हम देखना चाहेंगे तीनों में, यदि हम देखते हैं सिमिलरिटी क्या है, क्या डिफरेंट है, तीनों में क्या है, सीआरटी हो गया तो डिफरेंट नॉर्मलाइज हो जाएंगे, आर बीटी हो गया रैंडमाइज लॉग डिजाइन हो गया, ठीक है, और एलएसडी हो गया, ठीक है, तीनों में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंट है, देखो चूंकि सीआरडी में वेरिएंस, नंबर ऑफ वेरिएंस सिर्फ दो ही होता था, ट्रीटमेंट एंड एरर, आरबीडी में नंबर ऑफ वेरिएंस तीन होता था, कौन कौन सा, नंबर ट्रीटमेंट हो गया, एरर हो गया और उसका रिप्लिकेशंस, ठीक है, इसी प्रकार से एलएलडी में जो वेरिएंस है वो चार प्रकार होता है, कौन कौन सा होता है, रो कॉलम ट्रीटमेंट एंड एरर, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज कि सीआरडी डिजाइन हम कब बनाते हैं, जब जिसका हमको टेस्ट करना है, जिस एरिया का टेस्ट करना है या जिस भी सामग्री का यदि हमको टेस्ट करना है उसमें समानता हो यानी कि सिमिलैरिटी हो, तो वहां पर हम सीआरडी बनाते हैं, सीआरडी प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आरबीडी का प्रयोग करेंगे, जहां पर
जिस एरिया का या जिस सामग्री का हमको टेस्ट करना रहता है उसमें दो ग्रुप बनता है। फर्स्ट ग्रुप में रहने वाला जो ट्रीटमेंट है वो उसमें सिमिलरिटी रहता है एंड सेकंड जो ग्रुप रहता है उसमें डिफरेंटली रहता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दो ग्रुप बनते हैं। ठीक है, एंड लास्ट एलर्जी। एलर्जी का प्रयोग हम तो करेंगे जब क्या होता है सिमिलरिटी तो होगा लेकिन जहां पर डिफरेंटली है, डिफरेंटली में जो एक डिफरेंटली है, ठीक है, एक ग्रुप है डिफरेंटली वाला विषमता का, लेकिन उसी में उसका जो डिफरेंटली है वो उसका डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट रहता है। डायरेक्शन उसका दो प्रकार के है, दो दिशाओं में उसमें है इस प्रकार से और एक दिशा में है, तो उस कंडीशन में हम एलर्जी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको, उसको आप एक बार और रेफर कर लेना नोट्स से। ठीक है, समझ में आया, ओके, थैंक यू।